नागपुरात गुन्हेगारांनी हैदोस घातला असून सामान्य नागरिकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. सराईत गुन्हेगारांनी पेट्रोल पंपवर दादागिरी करत वाद घातला आणि पाठलाग करून शस्त्राच्या धाकावर केली जबरी चोरी. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी 24 तासाच्या आत चोरट्यांना अटक केली आहे. तू आमच्या आधी पेट्रोल भरणार का असं म्हणत दादागिरी करत फिर्यादीसोबत वाद घातला आणि फिर्यादीचा पाठलाग करून त्याला चाकूने जखमी केले आणि मोबाईल हिसकावून पसार झाले. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी 24 तासात आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीचे नाव रितेश गवई आणि अखिल वासी असे असून दोघेही रेकॉर्डवरचे आरोपी आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चाकू व मोबाईल हस्तगत केला आहे. सुबह 11-11:30 के दरम्यान एक फिर्यादी नामक अजय सोमकुवर धाबा के रहने वाले हैं. ये जीआरपी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे. उनके पीछे से को दो अज्ञात व्यक्ति आए और तू मेरे सामने पेट्रोल भरता है क्या, ऐसे बोल के उनको गाली गलौज किया. और बाद में फिर्यादी सामने निकल गए तो उनका पीछा करके उनको रुकवा के उनको चाकू दिखाकर उनकी जेब में से 7,000 रुपये कीमत का मोबाइल उन्होंने जबरी से लेके चाकू से थोड़ा उनको जख्मी करके वो भाग गए. ऐसे घटना होने के बाद फिर्यादी तुरंत पुलिस स्टेशन में आए. वो पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने ये घटना के बारे में जब बताया तो हमारे डीओ जो थे PSI जांगिलवाड उनको जब वो आरोपियों का वर्णन उन्होंने बताया तो वो आरोपी रिकॉर्ड पे के है ऐसा लगने की वजह से तुरंत जाके उन्होंने कार्रवाई किया और एरिया में जाके देखा तो ऐसे वर्णन के दो लोग जब मिले तो उनको दबोच लिया. तो बाद में ये दोनों आरोपी जो है उनके नाम है रितेश गवई और अखिल वासे, ये दोनों भी रिकॉर्ड के गुनहगार है. इनको जब पुलिस स्टेशन में लाया तो देखा तो फिर्यादी ने भी उनको पहचान लिया. उनके पास से उनका जो मोबाइल है वो मोबाइल भी हस्तगत किया और जिस चाकू से उनको बिल्कुल जख्मी किया था वो भी चाकू हस्तगत किया गया.